दोस्तों आर देखो के एक नए एपिसोड के साथ में मैं अथर्वपुर चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है महिंद्रा XUV 3XO। ये एक्चुअल में XUV 300 का फेसलिफ्ट है। ये गाड़ी 29 अप्रैल को लॉन्च हो चुकी है और आपको लग रहा होगा अभी तक इसका वीडियो हमारे चैनल पर क्यों नहीं आया है। एक्चुअल में मैं इस गाड़ी के सारे फीचर्स पता कर रहा था, इसकी प्राइस क्या है और अगर आप एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सुटेबल होगा। जब तक ये सारी कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक वीडियो देना मूर्खता है। तो इतने दिनों तक हम इन्हीं के बारे में सारे डिटेल पता कर रहे थे। अब ये जो गाड़ी है ये 15 मई से बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले हमारा वीडियो आपके सामने तैयार है। तो आज हम XUV 3XO के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइसेस की बात करते हैं। तो महिंद्रा 3XO एक्सोरूम प्राइस के उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो टर्बो पेट्रोल 111 PS का इंजन है उसकी अगर हम बात करें, और दूसरा जो इंजन है वो हमारा टर्बो पेट्रोल 131 PS। तो अगर हम टर्बो पेट्रोल 111 PS की बात करें, इसके अंदर जो वेरियंट आते हैं वो है MX1, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro एंड AX5। ये सारे हम पेट्रोल वेरियंट की बात करें, डीजल वेरिएंट की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। MX1 वेरिएंट जो है उसके मैनुअल प्राइस है 7.49 लाख और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है। अगर आप MX2 प्रो की बात करोगे तो इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपका 8.99 लाख में आता है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए आपको 1 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं और इसकी प्राइस है 9.99 लाख। MX3 की बात करें तो MX3 वेरियंट का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो 9.49 लाख में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 10.99 लाख में। और इसी तरह से अगर आप MX3 प्रो की बात करेंगे तो उसका मैनुअल ट्रांसमिशन 9.99 लाख में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 11.49 लाख में आता है। अगर आप AX5 वेरिएंट लेते हैं तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपका है वो 10.69 लाख में आता है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 12.49 लाख में। अगर आप टर्बो पेट्रोल 131 PS की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, AX5L, AX7 एंड AX7L। अगर आप AX5L मैनुअल की बात करते हैं तो 11.99 लाख में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 13.49 लाख में। AX7 की बात करें तो AX7 वेरिएंट 12.49 लाख में, जबकि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 13.99 लाख में आता है, और AX7L जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 13.99 लाख में मिलता है, जबकि इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 15.49 लाख में मिलता है। तो अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो आपका 7.49 लाख से स्टार्ट होकर 13.99 लाख तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करोगे तो आपका 9.99 लाख से स्टार्ट होकर 15.49 लाख में आता है। और अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, और ये जो इंजन है ये दो पावर के साथ में आता है, 999 PS की पावर और 131 PS की पावर। इसका जो 111 PS की पावर वाला इंजन है उसका टॉर्क 200 Nm है, जबकि 131 PS पावर वाला जो इंजन है उसका जो टॉर्क है वो 230 Nm टॉर्क है। अगर हम इसके क्लेम माइलेज की बात करें तो इसका जो मैनुअल 111 PS का जो इंजन है उसकी क्लेम माइलेज 18.89 km/L है, और 131 PS का जो इंजन है उसके मैनुअल ट्रांसमिशन की जो माइलेज है वो आपकी 20.1 km/L है। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो 111 PS का जो इंजन है उसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो माइलेज है वो 17.96 km/L है, और 131 PS की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो क्लेम्ड माइलेज है वो 18.2 km/L। इस स्टेप से आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल के दो इंजन मिलते हैं, 111 PS जिसके टॉर्क 200 Nm है, और 131 PS का जो इंजन है उसके जो टॉर्क है वो 230 Nm है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ मिलती है वो 3990 mm है। तो इस सेगमेंट की ये वाइडेस्ट कार है, इसकी लेंथ 3990 mm, विड्थ 1821 mm, हाइट 1647 mm, व्हील बेस 2600 mm, और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 201 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस इसमें आपको 295 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो इसमें आपको
42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और टायर साइज की बात करें तो बेस मॉडल में आपको 205/65 R16 के टायर मिलते हैं, और अगर आप टॉप मॉडल की बात करेंगे तो वहां पर जो टायर की साइज है वो हो जाती है 215/55 R17। तो बेस मॉडल में आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। अब सबसे पहले हम MX1 वेरिएंट की बात करते हैं। तो MX1 वेरिएंट जो है उसकी प्राइस की बात करें, इसकी जो प्राइस है वो 7.49 लाख। यहां पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ये केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। तो अगर हम इसके MX1 वेरिएंट की बात करें तो ये आपके 111 PS के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, जिसकी प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है 7.49 लाख। इसमें सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट एटसेट्रा। साथ में यहां पर आपको साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। साथ में आपको ऑल पावर विंडोज, स्टीयरिंग मोड्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, ये सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको LED टर्न इंडिकेटर, LED टेल लैंप एंड 16 इंच स्टील व्हील मिल जाते हैं। अगर हम इसके मिसिंग फीचर्स की बात करें तो मिसिंग फीचर्स कौन से उसकी हम बात करते हैं। तो मिसिंग फीचर्स जो है वो है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर्स, ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर वाइपर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, तो ये सारे इसके मिसिंग फीचर्स हैं। अगर आप MX1 से MX2 प्रो वेरिएंट में जाएंगे तो आपको क्या एडिशनल फीचर मिलेंगे, क्या ये अपग्रेडेशन आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं, उसकी हम बात करते हैं। तो MX2 प्रो वेरिएंट अगर हम लें तो यहाँ पर आपको MX1 से अगर आप MX2 प्रो मैनुअल में जाते हैं तो आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि MX1 मैनुअल की जो प्राइस थी वो आपकी 7.49 लाख थी, जबकि MX2 प्रो मैनुअल की जो प्राइस है वो आपकी 8.99 लाख है। अगर आप MX2 प्रो मैनुअल की जगह MX2 प्रो ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि MX2 प्रो ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो है 9.99 लाख। अब MX2 प्रो वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, इसमें 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में आपको सनरूफ, व्हील कवर, रिमोट कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। अब ये जो सारे फीचर्स हैं ये क्या आपकी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इनकी कॉस्ट 1.5 लाख नहीं होनी चाहिए, ये कॉस्ट इसकी जस्ट हाफ होनी चाहिए। इसलिए MX1 से MX2 प्रो वेरिएंट में जाना आपके लिए सूटेबल नहीं है, इससे अच्छा है आप MX1 बेस वेरिएंट लेकर उसमें आपकी सारी नीड के हिसाब से एसेसरी ऐड कर दें। अब अगर आप MX2 प्रो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाना चाहते हैं तो क्या ये वेरिएंट आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वेरिएंट है वो MX3। MX3 वेरिएंट की बात करें MX2 प्रो मैनुअल से, अगर आप MX3 मैनुअल में जाते हैं तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं, और अगर आप MX2 प्रो ऑटोमेटिक से MX3 ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको 1.0 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। तो MX3 मैनुअल की जो प्राइस है वो आपकी 9.49 लाख है, जबकि MX3 ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो है 10.99 लाख। MX3 वेरिएंट में आपको 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये सारे फीचर्स कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हम सभी बायर्स को ये फीचर्स अवॉइड करने के लिए कहेंगे। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो MX2 प्रो ऑटोमेटिक लेकर उसको अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कराएं, तो हम सभी बायर्स को MX3 वेरिएंट लेने के सजेशन नहीं देंगे। MX3 वेरिएंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है वो है MX3 प्रो। तो MX3 प्रो वेरिएंट में अगर आप MX3 से MX3 प्रो में जाते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो आपको देना पड़ता है 50,000, और अगर आप MX3 ऑटोमेटिक से MX3 प्रो ऑटोमेटिक में जाते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 50,000। तो MX3 प्रो मैनुअल की जो प्राइस है वो 9.99 लाख, और MX3 प्रो ऑटोमेटिक की जो प्राइस है
वो 11.49 लाख। इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर जो मिलते हैं वो है LED हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, LED DRLs विथ टर्न इंडिकेटर, स्टाइल्ड व्हील्स। ये सभी फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये 50,000 के कॉस्ट पर जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो ये वेरिएंट आपको नहीं लेना चाहिए। MX3 Pro के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है वो है AX5। AX5 वेरिएंट की अगर बात करें MX3 Pro मैनुअल से AX5 मैनुअल में जाने के लिए आपको 70,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और अगर आप MX3 Pro ऑटोमेटिक से AX5 ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको 70,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो AX5 मैनुअल की जो प्राइस है वो आपके 10.69 लाख और AX5 ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो आपके 12.19 लाख। अब AX5 वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर एंड डिफोगर, साथ में इसमें आपको कनेक्टेड कार्टेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल टोन ऑटो एसी, कीलेस एंट्री विथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेड ORVM, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर थर्ड हेडरेस्ट, 16-inch अलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स, रूफ रेल्स। ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। MX3 Pro वेरिएंट से AX5 अपग्रेडेशन ही अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करता है और ये बाकी सभी बेस मॉडल से अधिक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो ये वो वेरिएंट है जो सभी बायर्स की नीड फुलफिल करता है, तो आपको AX5 अपग्रेडेशन कर लेना चाहिए। तो हम ये अपग्रेडेशन सजेस्ट करते हैं। AX5 से ऊपर के सभी वेरिएंट में आपको ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो 131 PS का इंजन मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वेरिएंट है वो AX5L वेरिएंट। तो AX5 में आपको 111 PS का इंजन मिलता था, जबकि यहाँ पर AX5L में आपको 131 PS का इंजन मिलता है। तो अगर आप AX5 मैनुअल से AX5L मैनुअल में जाते हैं तो आपको 1.3 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं, और अगर आप AX5 ऑटोमेटिक से AX5L ऑटोमेटिक में जाते हैं तो भी आपको 1.3 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। तो AX5L मैनुअल की जो प्राइस है वो 11.99 लाख, जबकि AX5L ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो है 13.49 लाख। अब अगर हम AX5L वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो डिमिंग ORVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में आपको एडल्ट रिलेटेड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें मेन फीचर्स हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमर्जिंग ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट। ये जो सारे फीचर्स हैं ये इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये आपको एडास के फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो आपको ये अपग्रेड कर लेना चाहिए। AX5L के बाद में जो नेक्स्ट हमारा वेरिएंट है वो AX5L वेरिएंट। AX5 वेरिएंट 111 PS का इंजन प्रोवाइड करता है, जबकि AX7 आपको 131 PS का इंजन प्रोवाइड करता है। अगर आप AX5 मैनुअल से AX7 मैनुअल में जाते हैं तो आपको 1.8 लाख एक्स्ट्रा पे करते पड़ते हैं, और अगर आप AX5 ऑटोमेटिक से AX7 ऑटोमेटिक में जाते हैं तो आपको 1.8 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। AX7 मैनुअल की जो प्राइस है वो आपकी 12.49 लाख है, जबकि AX7 ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो आपकी 13.99 लाख। AX7 के जो फीचर्स हैं वो हैं ऑटो डिमिंग ORVM, LED फॉग लैंप एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर। इसके अलावा इसमें ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, सॉफ्ट टच लेदर इंसर्ट, लेदर अपहोल्ड स्टीयरिंग, 17-inch अलॉय व्हील। ये सारे फीचर्स AX5 से AX7 अपग्रेडेशन इजीली जस्टिफाई करते हैं। अगर आप सारे फीचर्स चाहते हैं और साथ में एडास के फीचर्स भी चाहते हैं तो आपको AX7L वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि एडास केवल आपको AX5L और AX7L में ही मिलता है। अगर हम AX5 से AX7L वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप AX7 मैनुअल से AX7L मैनुअल में जाते हैं तो आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे, और अगर आप AX7 ऑटोमेटिक से AX7L ऑटोमेटिक में जाते हैं तो भी आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको AX7L में सारे फीचर्स मिल जाएंगे और एडास के फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब AX7L वेरिएंट में एडास के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब महिंद्रा ने एंट्री लेवल वेरिएंट में सेफ्टी के सारे बेसिक फीचर्स दे दिए हैं। अगर आपका बजट टाइट है
आप MX1 वेरिएंट लेकर इसे अपने हिसाब से अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आप बेसिक फीचर्स पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं बट वैल्यू पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको X5 वेरिएंट लेना चाहिए। ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बट टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट नहीं है। अगर आप X5 के ऊपर बजट स्ट्रेस कर सकते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप X5L, X7 और X7L वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आपके लिए ADAS इंपॉर्टेंट है तो आप X5L या X7L दोनों में से कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। तो इस टाइप से ADAS के फीचर आपको X5L और X7L में मिलेंगे। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आपको MX1 वेरिएंट लेकर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लेना चाहिए। और अगर आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको X5 वेरिएंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने महिंद्रा XUV 3XO के सारे वेरिएंट डिस्कस किए हैं। तो आप इनमें से कौन सा वेरिएंट लेना चाहेंगे इसके लिए हमें कमेंट करके बताइए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे जो भी नया हम अपडेट दें सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।